हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू चैनल इंग्लिश एवरीडे। और आज का हमारा टॉपिक है ऑलरेडी स्टिल येट। ऑलरेडी का क्या मीनिंग होता है? ऑलरेडी का मीनिंग होता है सूनर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि पहले से ही। उसके बाद हम क्या बात करते हैं? उसके बाद हम बात करते हैं येट की। येट का मीन्स होता है अब तक, और सेम ही किसका मीनिंग होता है? स्टिल का। स्टिल का भी जो मीनिंग होता है वो भी क्या होता है? अब तक या अभी भी। अब देखिए, इनको क्लियर करने के लिए छोटा सा फैमिली का एग्जांपल देखते हैं पहले हम। कि जैसे सुपोज करो आपके पापा आपके ब्रदर के लिए कोई बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा आपको कि इट्स 10 o'clock, अमन इज स्टिल इन बेड, कि 10 बज चुके हैं, अमन अभी तक बिस्तर में है। अभी तक मींस सिचुएशन हैज नॉट चेंज, अभी तक सिचुएशन नहीं बदली, जो एक्शन है दैट इज कंटिन्यू, वो चल रहा है। तो ऊपर से आप कहते हैं लेट हिम स्लीप पापा, उसे सोने दो। फिर आप क्या बताते हैं? यस्टरडे व्हेन आई वेंट टू बेड, जब मैं सोने गया, He was still working. वो क्या काम कर रहा था? वो तब भी काम कर रहा था। फिर आपके पापा आपको कहते हैं But he has not taken his breakfast yet. पर उसने अब तक अपना breakfast नहीं लिया है। और आप ऊपर से क्या reply करते हैं? Don't worry पापा, he has already taken milk. वह पहले से ही अपना दूध ले चुका है। तो हमने यहाँ पर कौन कौन से वर्ड्स का यूज किया? हमने यूज किया ऑलरेडी, येट एंड स्टिल। तो पहले हम बात करते हैं इसकी पोजीशन के बारे में, कैसे यूज करते हैं हम इनको सेंटेंसेस में। देखिए यहाँ पर पहले इनका हिंदी में देखिए, ऑलरेडी पहले से ही, स्टिल अभी भी या अब तक, येट अब तक। अब देखिए ऑलरेडी को हम कैसे यूज करते हैं, तीनों ही क्या है? एडवर्ब है। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। ही हैज ऑलरेडी टेकन हिज ब्रेकफास्ट। ही हैज यानी हैज से क्या? बाद में, और मेन वर्ब टेकन से पहले। अब देखिए फिर हम बात करते हैं कि नेगेटिव में यूज नहीं होता। ऑलरेडी है जो पहले से ही काम हो चुका है, तो वो नेगेटिव में तो यूज होगा ही नहीं, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं? हम बात करते हैं देन येट की। अब येट की पोजीशन क्या है? येट यहाँ पर देखिए ये साइन बने हुए सेंटेंसेस के साथ, इसका मतलब है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब प्लस येट, यानी कि जहां ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे क्या होगा? वर्ब प्लस येट हो जाएगा, और जहां पे ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस येट। और हम ये भी कह देते हैं कि येट जो है वो ज्यादातर कहां आता है? एंड में आता है सेंटेंस के। अब हम देख बात किसकी करते हैं, एक ये चीज इस येट के बारे में आप और याद रख लीजिएगा कि येट जो है वो मेनली प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, अदर जो है टेंसेस में नहीं होता। अब हम बात करते हैं स्टिल की। स्टिल का मींस होता है सिचुएशन हैज नॉट चेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया ही स्टिल वर्किंग, वो अभी भी काम कर रहा है, सिचुएशन बदली नहीं है। और इसमें देखिए इसकी पोजीशन अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि पॉजिटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब से क्या आता है? पहले आता है। नेक्स्ट हम अपने ही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए कुछ और रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। शैल आई टेल हिम व्हाट हैपेंड, क्या मुझे बताना चाहिए कि क्या हुआ था उसे? और डज ही ऑलरेडी नो, या वो पहले से ही जानता है, क्या वो पहले से ही जानता है और मुझे बताना चाहिए? तो फिर आप क्या कहते हैं?
He doesn't know yet. वो अब तक नहीं जानता. फिर आपके पापा क्या बोलते हैं? Is he still sleeping? क्या वो अब भी सो रहा है? फिर आपके पापा कहते हैं कि I have not seen him yet. मैंने उसे अब तक नहीं देखा है. तो जहां पर भी बात आती है नेगेटिव के साथ ज्यादातर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे येट यूज हो रहा है. स्टिल जहां पे हम अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं वहां पे आता है. और ये देखिए ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव नहीं आता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को इस तरह से पूछते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ऑलरेडी यूज करते हैं. तो देखते हैं हम स्टिल के कुछ और यूज. अब हम देखते हैं स्टिल की कितनी मीनिंग है यहाँ पर. स्टिल कैसे, जो हमने पहले किया अभी भी, वो स्टिल क्या था, एज एन एडवर्ब. अब देखते हैं स्टिल एज एन एडजेक्टिव. एज एन एडजेक्टिव स्टिल का मीनिंग होता है चुपचाप, शांत, बिल्कुल मोशनलेस, गतिहीन जिसको कहते हैं. तो इसका सेंटेंस देखिए, ही ले स्टिल ऑन द कार्पेट. वो चुपचाप बिल्कुल शांत जो था कार्पेट पे लेट गया. तो इसका क्या मीनिंग है, एज एन एडजेक्टिव क्या मीनिंग है, चुपचाप शांत. एज ए नाउन इसका मीनिंग होता है सन्नाटा, बिल्कुल डीप साइलेंस जो होता है. जैसे देखिए द थीफ एंटर्ड द हाउस इन द स्टिल ऑफ द नाइट. रात के सन्नाटे में चोर ने घर में क्या किया, एंटर किया, घर में प्रवेश किया. तो इन द स्टिल ऑफ द नाइट मीन्स स्टिल का दूसरा एज ए नाउन सन्नाटा. अब तीसरा है एज ए वर्ब, इसका मीनिंग होता है शांत करना, यानी कि समझा बुझाकर शांत करना. ही स्टिल्ड द वीपिंग चाइल्ड. उसने रोते हुए बच्चे को समझा बुझाकर शांत कर दिया. और एज ए कंजंक्शन इसका मीनिंग होता है फिर भी. देखिए इट वॉज फ्यूटाइल, ये सब व्यर्थ था. येट या स्टिल दोनों में से कोई भी आए तो आप लगा सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना. फिर भी दे फोन, वो लड़े. यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स हैं जिनको आपने फिल करना है ऑलरेडी से, स्टिल और येट से. देखिए फर्स्ट है ही हैज नॉट रिटर्न्ड. आप देखिए यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, आपको दिख रहा है क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, नेगेटिव है, सेंटेंस के एंड में है. तो बिना सोचे समझे क्या करेंगे हम, ये. सेकंड देखिए इट इज डैश 9 o'clock. अब देखिए ये 9 o'clock यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, नेगेटिव भी नहीं है ये, एंड भी नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है. और यहाँ पर क्या है, यहाँ आप क्या भरोगे अब, जैसे कि दो चीजें. अब देखो स्टिल और ऑलरेडी में से ही तो स्टिल आएगा नहीं कि सिचुएशन सेम नहीं चल रही, यहाँ पे कंटिन्यू वाली बात नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, ऑलरेडी, कि पहले से ही 9 बज चुके हैं जल्दी चलो. तो यहाँ भरा हमने ऑलरेडी. थर्ड देखिए हैव बोथ ऑफ यू डैश इटन. क्या आएगा, तुम दोनों स्टिल भी नहीं येट भी नहीं, तो क्या भरेंगे, ऑलरेडी. क्या तुम दोनों पहले से ही खा चुके हो, तो हमने क्या भरा यहाँ, ऑलरेडी. ही डैश लव्स हर. अब वो उससे, ये क्या है, सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, अब भी चल रही है, तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे, स्टिल. अब भी उससे प्यार करता है. Has the postman come? तो ending भी है, perfect भी है. और क्या भरेंगे हम, interrogative और negative के साथ हम यहाँ पे क्या भरेंगे, yet भरेंगे. अब तक भी नहीं आया है कौन, postman. तो यहाँ पे क्या भरेंगे, yet. तो ये था हमारा आज का वीडियो. आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.